हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समीना लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद आज सबसे पहले कपड़े वगैरह धोए हैं, क्योंकि पूरे दिन की धूप वगैरह लग जाती है कपड़ों को। और जो आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमने किया है वो है हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह हमने निकाले हैं मोटे वाले, और उनको हमने धूप में डाला है सूखने के लिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई हैं, मगर सर्दियाँ आ चुकी हैं और अभी फ़िलहाल तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो ब्लैंकेट्स में अच्छे से धूप वगैरह लग जाएगी। तो ये काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि हमने मॉर्निंग में ही कर लिया है। तो कपड़े भी धुल गए और ब्लैंकेट्स को भी हमने सूखने के लिए डाल दिया है। साथ ही हमने जो ज़रूरी काम किया है वो है हमारे जो वूलन क्लोथ्स है को हमने ऊपर से उतार लिया, और अब हम उनको लेके जा रहे हैं टेरेस पे। इनको भी धूप दिखानी है, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी बढ़ने वाली है और बच्चों को एकदम से ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे स्वेटर्स वगैरह को अच्छे से सुखा लेना है, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो प्रॉब्लम ना हो। बच्चों की चल रही दिवाली की छुट्टियाँ, तो ऐसे में ये काम कर लिया जाए तो अच्छा है। और बच्चों को भी ऐसे कामों में हम लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी अपने जो डेली के काम है इस तरह से सीखते जाते हैं और काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं वो इन सारे कामों को करने के लिए। तो अनाया प्रॉपर लगी हुई हैं पूरा कपड़े वगैरह ड्राई करवाने में, धूप में डलवा रही हैं। और यहाँ पर हमारे जितने भी बैग में कपड़े थे उन सबको हम अच्छे से निकाल के चादर पर और चटाई पर फैला दे रहे हैं। तो सारे कपड़े हमने अच्छे से फैला दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और यहाँ देखिए अनाया कितनी ज़्यादा खुश हैं। अनाहर वीडियो में आ रही है। हालांकि 6 महीने बाद ही सर्दियां आ जाती हैं, 6 से 8 महीने बाद, मगर बच्चों को इतना एक्साइटमेंट होता है ना कपड़े देखकर, अपने सारे जो रखे हुए होते हैं उन्हें निकाल निकाल के, उन्हें ऐसा लगता है कि नए कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो इस तरह से सर्दियों के कपड़ों को देख के। चलिए, नीचे आने के बाद हमने सबसे पहला अब काम क्या करा है कि एलोवेरा की कुछ लीव्स हमने निकाली हैं और इनको हम यूज़ करने वाले हैं आज अपने बालों के लिए और स्किन के लिए भी। तो एक्चुअली क्या है, अभी सर मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सभी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, हमारी भी डैंड्रफ हो गई है सर में। तो उसका जो सबसे अच्छा जो हमें सॉल्यूशन लगता है वो है, आपने ये एलोवेरा घर में ही रहता है, इसको लेते हैं, इसका पल्प इस तरह से हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे एक कटोरी में लेके इसको हम बालों में अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा देखिए ये हमने अलग रख लिया है, इसको हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे ऐसे ही, और जो ये पल्प निकला है इसको हम लगाएंगे बालों में। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, हमने ऐसे ही इसको पल्प को यूज़ करने के लिए निकाल लिया एक बोल में। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं नींबू, अगर बाल छोटे हों तो आधा नींबू यूज़ कर सकते हैं, और अगर बाल लंबे हों तो एक नींबू के करीब इसमें ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स करें और बालों की जड़ों में अच्छे से इसका जो छिलका रहता है ना इसी से अप्लाई कर लें अपने बालों की जड़ों में, और उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दें। और फिर आप इसको अच्छे से वॉश करें, शैम्पू से क्लीन कर लें बालों को, उसके बाद कंडीशनर करें। कंडीशनर करने के बाद जब पूरी तरह से बाल धुल जाएं, तब एक मग्गे में लें पानी और उसमें ऐड करें आधा नींबू, अगर वही है बाल छोटे तो आधा नींबू ऐड करें, और अगर बाल बड़े हैं तो एक नींबू ऐड करके लास्ट में जो डब्बे में पानी रहेगा ना ये बालों पर पूरा डाल लें, और उसके बाद टावल से रैप अप करके बाहर आ जाएँ। यकीन मानिए 3 से 4 वॉश में ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो शाम के टाइम पर देखिए हमने सारे जितने से ना वो सारे फिल करे और नीचे लाके अभी डाल दिए हैं, मगर अभी हो रहा है डिनर का टाइम और कुछ बच्चों के स्नैक्स का टाइम। तो डिनर के लिए अभी हम आ गए किचन में, आज बच्चों को और इनका रोटी खाने का मन नहीं है, बच्चे कह रहे हैं फास्ट फूड खाना है, तो नूडल्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि चाउमीन बच्चे खाएंगे, और हम लोग ने सोचा है कि हम लोग ले लेंगे चिकन सूप। तो नूडल्स के लिए हमने सबसे पहले नूडल्स निकाले हैं और इस पानी बॉयल होने रख दिया है एक भगोने में, और उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही अच्छे से बॉयल हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे अपने नूडल्स, और धीरे धीरे ये इसमें अंदर की तरफ चले जाएंगे। बड़े होते हैं नूडल्स, वो धीरे धीरे करके अपने आप अंदर चले जाते हैं। सो नूडल्स यहाँ पर कुक हो रहे हैं, तो इन्हीं नूडल्स से हम बच्चों के लिए चाउमीन भी बना देंगे, और बाकी नूडल्स को हम फ्राई करेंगे अपने सूप के लिए। कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए ये गल गए हैं, इसको चम्मच से तोड़ के देखा तो ये बिल्कुल गल गए थे, और साथ में ही हमने चिकन को थोड़ा सा पानी में डाल के रख दिया है सूप के लिए, और नूडल्स को हमने डाला है छन्नी में। अब इसको रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जो भी इसका स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए, और ये बिल्कुल चिपके चिपके से ना रहे, स्टिकी से ना बने, एकदम खुले खुले से बनेंगे अगर आप इसको रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। तो नूडल्स को अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं ऑयल, इससे बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं रहेगी इनमें, और एकदम खिले खिले से जब आप कुक करेंगे खिले खिले से बनेंगे। यहाँ पर अभी शाम का ही टाइम है, बच्चों को लग रही है भूख, तो यहाँ पर हमने नूडल्स अभी साइड में कर दिए हैं, और थोड़ी सी मूंग स्प्राउट्स थे वो हमने आलू के साथ में बॉयल कर ली। थोड़ा सा पानी डाल के दोनों को कुकर में 1 सीटी लगा के हमने इनको बॉयल करा, और उसके बाद इसमें हमने टमाटर प्याज वगैरह डाल के ऐड कर दिया और चाट बना दी, क्योंकि बच्चे शाम में खाने वाले हैं फास्ट फूड, तो इस टाइम उन्हें मिलना चाहिए कुछ हेल्दी फूड। तो यहाँ पर हमने इसमें चाट मसाला और नींबू डाल के इनकी बना दी एक हेल्दी सी चाट। तो बच्चे अभी इसको एंजॉय करेंगे और रात में लेंगे वो अपने नूडल्स।
तो चलिए बना लेते हैं अब चाउमीन। उसके लिए हमने थोड़ी सी कैबेज ली है और उसको बारीक बारीक से हम इस तरह से कट कर ले रहे हैं। अब चॉपर में हम अनियन को भी कट कर लेंगे, और अनियन हम दोनों चीज़ के लिए कट कर रहे हैं, यानी कि सूप के लिए भी और अपने नूडल्स के लिए भी। तो यहाँ पर हमने अनियन को भी चॉप कर लिया है अच्छे से, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड किया है ऑयल कढ़ाई में, और उसमें हम डाल रहे हैं सबसे पहले थोड़ी सी अनियन। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, या यूँ कहें कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, इतना बस इसको कुक करना है। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है कैबेज बारीक कटा हुआ, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है, और देन उसमें ऐड कर देने हैं नूडल्स जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें जो सॉसेज हैं उनको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं वेनेगर, 2 चम्मच के करीब हमने इसमें वेनेगर ऐड किया है, और उसके बाद 2 चम्मच के करीब ही इसमें चिली सॉस है उसको ऐड कर दिया है। सोया सॉस कम ऐड किया है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, अगर कम लगे तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं, शुरू में ज़्यादा मत डालिएगा। और जो टोमेटो सॉस है वो हमने 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर रखा है। अब हमने इसमें डाला है ओरिगानो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए उसको हमने ऐड नहीं किया है, मगर आप ज़रूर ऐड करें, उससे और अच्छा फ्लेवर लगता है हमें तो खाने में। तो हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो गए हैं, और इसको हम कर लेते हैं सर्व दोनों बच्चों के लिए। ग्रीन कैप्सिकम की इतनी कमी लग रही है ना इन नूडल्स में, तो इसमें इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दे रहे हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। सो अब हम अपने नूडल्स को फ्राई कर रहे हैं। इसको हमने तेल में अच्छे से डीप फ्राई करना है, और जैसे ही हमने इसमें डाला है तभी हमारे डोर बेल बजी, और हमारे नेबर हैं भाभी, वो ले आई आज बिरयानी। और तो इस तरह से देखिए ना, सोचा था कि सिर्फ चिकन सूप खाएंगे, मगर आ गई है बिरयानी भी, तो हमारा तो डिनर हो गया है बढ़िया सा। तो देखते ही टेस्टी सी बिरयानी को लगने लगी है बहुत तेज़ भूख, तो इसके बाद जल्दी से हमें बनाना है चिकन सूप। मगर भाभी को अभी हम थोड़ा सा टेस्ट करवा रहे हैं अपने नूडल्स, और इतने में हमारे जो नूडल्स हमने फ्राई होने के लिए डाले थे वो हो गए थोड़े से गोल्डन ब्राउन। जब ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएँ तब इनको निकाल लेना है, और इस तरह से घेवर टाइप में ये बन जाएंगे, और इनको एक तसले में हम निकालते जा रहे हैं परात में। और जब सारे जमा हो गए उसके बाद इनको इस तरह से हाथ से क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे से तोड़ लेंगे, और एक एयर टाइट कंटेनर में इनको फिल करके रखना है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चल जाएंगे। उसके बाद हमने चिकन सूप बना लिया अपना। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी लगता है। सो ये रहा हमारा फुल डिनर, चिकन सूप एंड बिरयानी। तो हम लोगों ने अपने डिनर को अच्छे से एंजॉय किया, और उसके बाद जब टाइम बचा तो जो कपड़े हम ऊपर से सुखा के लाए थे वो सारे हमें अरेंज करने थे अपने बेड बॉक्स में। दिन में जब हमें टाइम मिला था तो हमने बेड बॉक्स में जगह भी बना ली थी, और अब हम सारे कपड़ों को इसमें अरेंज कर देंगे अपने बेड बॉक्स में, जिसमें कि हमने अपने हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं, उसमें आराम से ये सारे अरेंज हो जाते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा सा टास्क हो रहा था कि सारे कपड़ों को उतारना है, धूप लगानी है, फोल्ड करना है, एंड देन उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, और ये काम हमारा हो गया तो हम हो गए हैं टेंशन फ्री एंड रिलैक्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये काम नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सर्दियों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब भी आपको ज़रूरत हो आपके कपड़े एकदम रेडी रहें पहनने के लिए। सो गाइस, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड बेल बटन को कर दीजिएगा प्रेस। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, बाय।